1947 दोबारा नहीं आने वाला है भारत। उनके पार्टी के एमएलए से और क्या उम्मीद की जाए। विधानसभा में राष्ट्रगीत नहीं गाने का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्ना की सोच भारत में नहीं चलेगी। गिरिराज सिंह का कहना है कि जिसका नेता ही सदन के अंदर विरोध करता हो उसके विधायक भला क्यों ना विरोध करेंगे। ये लोग वही हैं जो सोचते हैं कि जिन्ना की 1947 वाली सोच भारत में लागू किया जाए। 1947 दोबारा नहीं आने वाला है भारत। दरअसल बिहार विधानसभा के अंदर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी जिसमें सदन की शुरुआत में राष्ट्रगान और सदन की समाप्ति पे राष्ट्रगीत को होना था। शीतकालीन सत्र की शुरुआत जिस तरीके से राष्ट्रगान से हुआ, सभी को उम्मीद थी कि सदन बेहतर चलेगा और सदन की कार्यवाही, शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए जब समाप्त हो रही थी उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा के तर्ज पे अब बिहार में पहली बार विधानसभा के अंदर राष्ट्र गीत गाया जाएगा। फिर क्या था, विवाद शुरू हो गया। तमाम सत्ता और विपक्ष के सदस्य थे वो खड़े हुए, लेकिन एआईएम के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्हें इस बात से एतराज था कि यह जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र गीत वो नहीं गाएंगे। दरअसल ओवैसी पहले से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे। फिर क्या, बिहार की राजधानी पटना में भाजपा नेताओं के मन में देशद्रोही वाला गुस्सा था। उन्होंने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी ने एक स्वर में कहा कि जो लोग देश के अंदर रहेंगे वो देश गीत नहीं गाएंगे, तो फिर उन्हें रहने से क्या फायदा, यहां रहना यहां खाना यहां। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि ये तो जिन्ना की सोच है और जो इनके नेता हैं वो दर्शाता है, इनकी विचार इनकी बातें यह बताती है कि ये लोग 1947 वाले जिन्ना को भारत में फिर से लाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीधे बड़ा आरोप है ओवैसी पर, तो ओवैसी के विधायक पर और वैसे लोगों पर जो भारत में रह के राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं। मातरम गाने से मना कर दिया है ओवैसी की पार्टी के हैं। ओवैसी भारत के अंदर संसद में भी वो उसमें नहीं रहते। जिनके नेता राष्ट्र का अपमान करते, उनके पार्टी के एमएलए से और क्या उम्मीद की जाएगी। और ओवैसी तो जिन्ना के सपनों को लेकर के भारत में भ्रम फैला करके विभेद फैला रहे हैं, लेकिन 1947 दोबारा नहीं आने वाला है भारत। उन्होंने कहा कि थोपा जा रहा है, जबरदस्ती राष्ट्रगीत गवाया जा रहा है हम लोगों से, जो होने नहीं देंगे भारत। भारत में लोगों ने कहा था राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बना और भारत का राष्ट्रगीत हमारे आत्मा में बसा रहा है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903।